जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। कुछ भाई लोग थोड़ा सा हताश हो गए हैं, कुछ भाई लोग थोड़ा सा नाराज हो गए। सुफियान भाई, आप न्यूज़ क्यों नहीं बनाते हो? टेक न्यूज़ वीडियो इतने कम क्यों आ रहे हैं? टेक हेडलाइंस के एपिसोड्स नए आ नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है? देखो भाई लोग, मैं मंडे और थर्सडे को नए एपिसोड्स निकालता हूँ टेक हेडलाइंस के। मैं ये भी कहूँ कि जिस दिन ज़्यादा न्यूज़ आएंगे उस दिन आपको नया एपिसोड देखने को मिल जाएगा। बस आजकल थोड़े कम न्यूज़ आने लग गए, इसी वजह से कभी कभी नए नए एपिसोड्स नहीं आते हैं। लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहता है कि मंडे और थर्सडे को दूंगा। मंडे को दिया, दो दिन का गैप, फिर थर्सडे को, फिर दो दिन का गैप, एक दिन संडे का छुट्टी, फिर मंडे को, तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन कभी कभी न्यूज अगर नहीं आते तो ये साइकिल टूट भी जाता है, ठीक है? तो यही रीजन है। सबसे पहला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 की तरफ से। ये 5 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, अमेज़न पे लिस्ट हो चुका है। मोटो H40 नियो इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है और मैंने जो प्राइस बताया था 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज में ही लॉन्च हुआ है। अच्छा फोन है, 24,000 रुपए का बजट है तो उसकी तरफ आप देख सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ तो भाई सेल आ रहे हैं तो रुक जाओ, सेल में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि OnePlus Nord CE 3 आपको और कम दाम में देखने को मिलेगा। IQ Neo 7 Pro का भी थोड़ा सा प्राइस आपको कम दिखाई देगा, एंड OnePlus Nord 3 भी है। तो ऐसे बहुत सारे फोन है जो आपको कम प्राइस पे दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा रुक जाओ। Moto H40 भी है तो थोड़ा सा रुकने की कोशिश करो। फाइनली Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro Plus, Redmi Note 13 सीरीज के तीनों फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। मैंने Redmi Note 13 Pro और Pro Plus इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था, 21 तारीख को ही बना दिया था। अगर आप मिस कर दिए हो तो आई बटन पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? अभी शो हो रहे होंगे। Redmi Note 13 के सारे डिटेल्स स्क्रीन पे देख लो भाई लोग। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है। अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं एंड उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो जैसे समय मिलेगा मैं आपको बनाकर सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तीनों फोन्स काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं। लेकिन प्रो वेरिएंट में थोड़ा सा मेरे को तकलीफ हुआ, लेकिन जो नोट 30 है और जो प्रो प्लस है ये दोनों बेस्ट हैं यार। वैसे आप बताओ आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको कौन सा फोन अच्छा लगा? Redmi Buds 5 और Redmi Pad SE ये दोनों प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए थे। इन दोनों प्रोडक्ट्स के सारे डिटेल्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो भाई लोग। Redmi Buds 5 बहुत ही अच्छा ईयरबड है और ये इंडिया में भी आएगा, ये काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है। और Redmi Pad SE ये तो बहुत टाइम पहले ही लॉन्च हो गया था और सारे डिटेल्स भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, वापस से देख लो भाई लोग। ये टैबलेट इंडिया में भी आएगा। वैसे आप बताओ आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं? सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्च होगा, यानी कि वही 4-5 तारीख के आसपास तक का डेट देखने को मिलेगा। रूमर यही निकल के आया है और अब ये अमेजोन पे लिस्ट हुआ है, अमेजोन पे ये सेल होगा। कुछ टाइम पहले मुझे पता चला था फ्लिपकार्ट पे ये सेल होगा, लेकिन नहीं, अमेजोन पे होगा। और इसका प्राइस होगा 50,000 रुपये के आसपास। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE सीरीज के जो टैबलेट्स हैं वो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होंगे, फ्लिपकार्ट पे सेल होंगे, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE Plus ये फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुका है। देख लो इसका प्राइस भी आपको पता चल जाएगा, 40,000 रुपये के आसपास होगा, यानी कि महंगा टैबलेट होगा ये। और हाँ, अभी बात खत्म नहीं होता है, सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स FE ये भी फ्लिपकार्ट पे ही सेल होंगे, ये भी लिस्ट हो चुके हैं, देख लो भाई लोग। और ये बहुत ही अच्छे ईयरबड्स होंगे क्योंकि कम प्राइस पे अवेलेबल होंगे और बहुत अच्छे स्पेक्स देंगे, सैमसंग के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ। अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ये 10 अक्टूबर को होने वाला भाई, 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, ये डेट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल का डेट सामने नहीं आया है, तो वो जब आएगा तो अमेजोन भी ऊपर नीचे करेगा। हो सकता है 9 अक्टूबर को हो जाए फ्लिपकार्ट का सेल, तो फिर अमेजोन को भी चेंज करना होगा, ऐसा कई बार हो चुका है इसी वजह से। और मुझे जहाँ तक लगता है फ्लिपकार्ट का भी सेल इसी के आसपास होगा, या फिर एक दिन आगे होगा या फिर एक दिन पीछे होगा, देखते हैं भाई। लेकिन 10 अक्टूबर को तो अमेजोन का सेल है, जैसे आप बताओ क्या खरीदने का प्लान है? लावा ब्लेज प्रो 5G ये 26 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, बहुत ही मस्त प्राइस पे, अच्छे स्पेक्स देगा, रूमर्स ऐसे हैं, आई होप सो। Google Pixel 8 और Google Pixel 8 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स अक्टूबर के 4 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन भाई लोग आप यकीन नहीं करोगे, इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बाहर आ चुके हैं। हाँ यार, Pixel 8, Pixel 8 Pro के पूरे ऑफिशियल स्पेक्स देख लो, पूरा स्पेक्स सीट ही बाहर आ गया। और भाई ऑफिशियल प्राइजेस भी आ चुके हैं, अमेरिकन प्राइजेस, कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ, देख लो भाई लोग। अब रहा सवाल कि Pixel 8 सीरीज के फोन्स का इंडिया में क्या प्राइस होगा, Pixel 8 आपको दिखाई देगा 70,000 रुपये के आसपास, Pixel 8 Pro आपको दिखाई देगा 85,000 रुपीज, यानी कि 85,000 रुपये के आसपास। वैसे आप बताओ आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड हो? Redmi Note 13 R Pro ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होने वाला है। Redmi Note 13 जो लॉन्च हुआ है उसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दो और एक दो चेंजेस छोटे छोटे होंगे, लो बन गया Redmi Note 13 R Pro। ये चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद जब ये चाइना से बाहर निकलेगा तो पोको X6 बन जाएगा इंडिया में। Realme अपने नए स्मार्टफोन को टीज कर रहा है और इसमें पेरिस्कोप लेंस होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं जो कहते हैं ये कोई मिड रेंज टाइप का फोन होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं जो कहते हैं ये फ्लैक्सी फोन होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं जो कहते हैं ये Realme GT 5 Pro होगा। देखते हैं भाई कौन सा फोन होता है।
कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। अब टीज कर रहा है तो बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा कि कौन सा फोन है। और हाँ, ये वाला न्यूज आप पक्का कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि Realme 12 Pro Plus में आपको Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आया है। इनफैक्ट हमारे सोर्सेज के बीच में भी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, 12 सीरीज को लेकर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और रहा सवाल कि 12 Pro Plus में कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, Dimensity का प्रोसेसर होगा, Snapdragon का नहीं, ठीक है। खैर, पोको के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। Redmi Note 13 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो चुके हैं, तो पोको अपने X6 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो पोको X6 सीरीज के तीन फोन्स हैं, या फिर पोको के तीन फोन्स हैं जो IMEI डेटाबेस पे पकड़े गए हैं, देख लो भाई लोग, जिनमें से एक पोको X6 है, X6 Pro है, अब तीसरा कौन सा है आई डोंट नो, पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। देखो भाई लोग, अगर आपको नहीं पता है तो Redmi Note 13, मैंने आपको इस टेक न्यूज में बताया भी है, Redmi Note 13 जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो वापस से चाइना में लॉन्च होगा Redmi Note 13 R Pro के नाम से, बस 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो जाएगा। तो वो जब चाइना से बाहर निकलेगा तब वो इंडिया में Poco X6 बन के लॉन्च हो जाएगा, समझ गए। और Poco X6 Pro जो है वो Redmi Note 13 Pro का थोड़ा सा ट्वीक्ड वर्जन होगा, समझ गए। आप कुछ और इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे, समझ गए ना। Vivo V29 और Vivo V29 Pro, Vivo V29 सीरीज के ये दोनों फोन्स अक्टूबर के 4 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। आपका भाई ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, जो भी जानना चाहते हो सब बताया हूँ मैं, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे Vivo का बात निकला है तो अच्छे से कवर करते हैं। Vivo के दो फ्लिपेबल फोन्स आने वाले हैं, दोनों का नाम कंफर्म हो चुका है, Vivo S Flip और Vivo V Flip, और ये भाई बहुत अग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च होंगे। वैसे भी Vivo का जो फ्लिपेबल फोन था X सीरीज का, Vivo X Flip, वो महंगा था यार। अब देखते हैं Vivo भाई कितने कम प्राइस पे अवेलेबल करके दिखाता है, क्योंकि टेक्नो वाले तो कमाल का काम कर दिए हैं फैंटम V Flip के साथ। Vivo T2 Pro लॉन्च हो चुका है मेरे भाई, एक तरह से आप कह सकते हो IQOO V7 Pro Flipkart पे लॉन्च हुआ है। सच कह रहा हूँ भाई, ये काफ़ी तकलीफ वाली बात है। iPhone 15 Pro मॉडल्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं लोगों को, जैसे कि बहुत सारे बंदे हैं जो iPhone 15 Pro मॉडल्स को खरीदे, आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें क्वालिटी इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि बैंड कहीं पर दिखाई दे रहा है, कहीं पर स्क्रैचेस हैं, कुछ और माइनर से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्वालिटीज़ को लेकर, मतलब कि फ़ोन परफेक्ट नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स। स्क्रीन के आसपास कुछ स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं, गैप्स देखने को मिल रहे हैं, और भाई ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात है। आप इतना सारा पैसा लगा रहे हो, 1.5-2 लाख रुपया लगा रहे हो, तब भी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है यार। और भाई iPhone 15 Pro मॉडल्स में बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट कर जा रहा है यार। और जेरी भैया बैंड टेस्ट भी किए, एक ही बार में भाई पीछे का ग्लास चढ़क गया, भाई ऐसा सा चीज़ देख के भाई डर लग रहा है यार, इतने महंगे फ़ोन लेने पर भी इतने सारे दिक्कतें। टेक्नो वाले बहुत ज़्यादा कमाल काम कर रहे हैं, एक तो सबसे सस्ता फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करके कमाल किए, और अब अपने फ्लिपेबल फ़ोन को लॉन्च कर दिए 50,000 रुपये में। मस्त फोन है यार, 50,000 रुपये में फ्लिपेबल फोन दे दे रहा है टेक्नो, और स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। सैमसंग गैलेक्सी A05 और सैमसंग गैलेक्सी A05s, ये दोनों स्मार्टफोन्स अनाउंस हो चुके हैं ग्लोबल कंट्रीज में, सारी डिटेल्स स्क्रीन पे देख लो भाई लोग, कुछ नया नहीं है, वही जो सैमसंग का स्टाइल है वही है भाई, क्या कर सकते हैं। इनफिनिक्स 2024 में कौन कौन से स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, ज़्यादातर स्मार्टफोन्स का नाम बाहर आ चुका है, देख लो भाई लोग, ये स्मार्टफोन्स का लिस्ट है 2024 में इनफिनिक्स इन सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, और भी करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इतने सारे फोन्स सामने आ चुके हैं। वैसे आप बताओ आप किसके लिए एक्साइटेड हो। सैमसंग गैलेक्सी A15 के रेंडर्स आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो भाई लोग, अपने ऑन लिक्स क्रिएट किए हैं, तो दैट मीन्स आपको फोन ऐसा ही दिखाई देगा। वैसे यार भाई सैमसंग का सिग्नेचर डिजाइन है, कुछ नया देखने को मिलेगा नहीं। सैमसंग गैलेक्सी A55 में आपको एक्सिनोस 1480 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इंटेल के जो नए प्रोसेसर्स हैं मीटियर लेक प्रोसेसर्स, वो दिसंबर के 14 तारीख को लॉन्च होंगे, दिसंबर के 14 तारीख का इवेंट डेट आ चुका है, तो देखते हैं भाई इस बारी जो नए प्रोसेसर्स हैं इंटेल के कितना कड़ी टक्कर देते हैं एप्पल के एम सीरीज के प्रोसेसर्स को। वैसे भी यार इंटेल के प्रोसेसर्स आजकल बहुत बवाल होते जा रहे हैं। Google Pixel 8a के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो भाई लोग, ऐसा आपको फोन दिखाई देगा। आप कुछ इन्फॉर्मेशन तो आए थे जो कह रहे थे ये प्रोटोटाइप है, एक्चुअल प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, देखने से थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही कर्व दिखाई दे रहा है, मतलब कि राउंड शेप कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब कि वैसा नहीं लग रहा है जैसे कि Pixel 7a या फिर Pixel 6a दिखाई देते थे, मतलब कि थोड़ा सा, समझ गए ना, थोड़ा सा। वैसे आप बताओ आपको दिखने में कैसा लग रहा है, कुछ अगर और इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये फ़ोन आपको दिखाई देगा अगले साल के जून के आसपास तक,
एज ऑफ नाउ तो यही टाइमलाइन बाहर निकल के आया है। वैसे भाई लोग अगर आपको नहीं पता है तो सच कह रहा हूँ, पिक्सल 8 सीरीज के जो फोन्स होंगे उनमें जो खास के पिक्सल 8 प्रो होगा उसके कैमरास में आपको काफी नेक्स्ट लेवल के नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। AI रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स गूगल ऐड कर रहा है, कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर देख लो, और DSLR से रिलेटेड भी बहुत सारे मोड्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि इनोवेटिव चीजें देखने को मिलेंगी पिक्सल 8 प्रो के कैमरास वाले सेक्शन में। और भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ऐसी चीजें जिसको आप किसी और फोन में नहीं देखे हो, समझ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करिएगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।